Hi everyone, a very important success mantra tip for all the JEE aspirants, class 12th or dropper students to hai unke liye JEE around the corner hai, class 11th ke students bhi is tip ko agar apply karte hain to aap apne JEE mein bahut incremental growth dekh payenge. To bachcho aapko ye hamesha dhyan rakhna chahiye ki JEE main humse kya umeed kar raha hai. Hamein 3 ghante mein 75 questions deliver karne hain. है ना, अभी 90 हो गया बट 75 तो हमारे पास चॉइस है और उसमें से भी सारे क्वेश्चंस होते नहीं होते बट अपना बेस्ट देना है, ऐसा जेई मेन का फॉर्मेट रहा है। तो याद रखो कि वो भी कैसे सिचुएशन में, एक नए एग्जाम हॉल में जहां पे आप थोड़े नर्वस होंगे, लाइनों में लग लग के पहुंचे होंगे और अपने बॉडी और माइंड से हमको ये 75 क्वेश्चंस डिलीवर करने का एक मानस बनाना है। तो बच्चों इसी चीज़ को अगर हम घर पे डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चंस पर डे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स के मिला के अगर करने की एक अप्रोच रखें कि 100 क्वेश्चंस हमें पीसीएम के रोज के करने ही करने हैं, चाहे सारे होते नहीं होते लेकिन अटेम्प्ट तो करने ही है, करेक्ट हुआ गलत हुआ अलग बात है, ये अपन ने अगर एक बेसिक बेंचमार्क सेट कर लिया है तो डेफिनेटली यहाँ से हम अपने आप को एसेस कर सकते हैं कि हम जेई के लिए सीरियस है कि नहीं है और साथ साथ हम डेफिनेटली ओवर वीकली बेसिस मंथली बेसिस बहुत ज़्यादा इंप्रूव भी करेंगे इफ़ यू कीप इम्प्रूविंग देन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, गोल ओरिएंटेड टिप है, प्रैक्टिस ओरिएंटेड टिप है जो कि आपको अपने जेई मेन में बहुत हेल्प करेगी। तो स्टार्ट अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ और आप आई विश अपनी जेई की प्रिपरेशन में बहुत अच्छा करें। ऑल द बेस्ट टू यू, लेट्स क्रैक इट।